आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। सास बहू का ड्रामा देखते हैं, लेकिन इस वक्त उनकी गॉसिप सुनकर आपको क्या मिलेगा? इस बारे में मैं आपको बार बार कहती हूँ कि अपनी फैमिली का भला सोचिए। इसी शो के जरिए आप शुरुआत कर सकते हैं अपनी फैमिली को यूनाइट करने का। तो चलिए जानते हैं आज के शो में क्या है खास। घर में नन्हे मेहमान का संकेत कैसे मिल सकता है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी आज। एक ऐसी बुराई से बचिए जो आपके होठों को बहुत खराब कर सकती है। कौन सी है वो बुराई, मैं बताऊंगी। हरे धनिये का सही इस्तेमाल कीजिए, आँख, नाक और आपकी बॉडी की काफी समस्याएं हो जाएंगी दूर। क्या आप जानती हैं माँ लक्ष्मी को मनाने के लिए, खुश करने के लिए कौन सा है सही रंग? आपको बताएंगे पैसे का रंग। आपकी डैंड्रफ, मुहासे और ये सारी तकलीफों को दूर करने के लिए बेहद आसान और खास ब्यूटी टिप दूंगी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कुछ लोग दांतों से लिप्स को काटते हैं, इस तरीके से करते हैं, ये आदत आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। इससे बचने का तरीका आगे बताऊंगी। पहले आज की पहली प्रॉब्लम और उसका सलूशन। आज की पहली प्रॉब्लम है कि अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो अपनी राशि के हिसाब से या अपने नाम के पहले अक्षर की राशि के हिसाब से इस परेशानी को दूर करने के उपाय फटाफट नोट कर लीजिए। मेष राशि के लोगों का अगर बुरा समय चल रहा है तो घर के साउथ पोर्शन में गुड़ की एक डली रखकर घर के बाहर निकलें। अब वृषभ राशि का अगर बुरा समय चल रहा है तो फ्राइडे को सफेद गाय को चावल खिलाएं। मिथुन राशि का बुरा वक्त चल रहा है तो किसी जरूरतमंद को हरे मूंग का दान करें। कर्क राशि के लोगों का अगर बुरे समय चल रहा है तो घर के वेस्ट में कबूतरों के लिए ज्वार के दाने डालें। आप अपने बालकनी के वेस्ट में भी डाल सकते हैं। सिंह राशि के लोगों का अगर बुरा समय चल रहा है तो तांबे के लोटे में जल भरकर घर के ईस्ट में छिड़किए। कन्या राशि के लोगों का अगर बुरा समय चल रहा है तो महीने में एक बार किसी जरूरतमंद को खड़ा मूंग और गुड़ का दान करें। तुला राशि के लोगों का बुरा समय चल रहा है तो शुक्रवार को घर के नॉर्थ वेस्ट में सफेद कपड़े में चावल बांधकर लटकाने हैं। वृश्चिक राशि के लोगों का बुरे समय चल रहा है तो साउथ ईस्ट में जौ को लाल कपड़े में बांधकर कहीं लटका दीजिए। अब बात करेंगे सैजिटेरियंस की, धनु राशि वाले लोगों की। बुरा समय खत्म करने के लिए भगवान विष्णु की पूजा करें और डेली करनी है और साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी करना है। मकर राशि के लोगों का बुरा टाइम चलेगा तो घर के वेस्ट में तुलसी का पौधा लगाएंगे। कुंभ राशि के लोगों का बुरा समय चलेगा तो घर के नॉर्थ वेस्ट को साफ रखेंगे और पॉसिबल हो सके तो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वहीं रखें। मीन राशि के लोगों का जब बुरा समय चल रहा होगा अगर तो भगवान विष्णु की पूजा करें, गुरुवार को पीली मिठाई चढ़ाकर गरीबों में बांट दें। आंखों में जलन होती हो, नाक से खून आता हो, डाइजेशन खराब हो, इन सब से निपटा जा सकता है, वो भी सिर्फ धनिये के इस्तेमाल से। क्या करना है आपको ये आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले अगर आप अपने लिप्स को दांतों से काटते हैं तो इस बुराई से बचाने के लिए बताती हूँ क्या करना है। खाली समय के समय, नर्वस होते समय अगर आप ऐसे करते हैं, अपनी लिप्स की स्किन को उतारते हैं दांतों के जरिए, तो ये बहुत खराब आदत है। यह आपकी बेचैनी और बोरिंग होने को शो करती है कि अब आप बोर हो रहे हैं। इस आदत से बचना ही है आपको, नहीं तो आपके लिप्स को बहुत नुकसान होता है। कई बार लिप्स पर तेजी से दांत लग जाता है और ब्लड आ जाता है। ये आदत लिप्स की खूबसूरती को कम कर देती है। बार बार लिप्स काटने से लिप्स मोटे हो जाते हैं। अब ये आदत दूर कैसे करें, इस बुराई से कैसे बचना है आपको? तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि कुछ एक्टिव काम करते रहना है जिसमें आप बिजी हो सकें। इसे बचने के लिए आप एक काम और कर सकते हैं कि जब आप बोर होने लगे तो आप च्युइंगम मुंह में रख लीजिए और अपने लिप्स पर पेट्रोलियम जेली लगाइए कि अगर नुकसान पहुंचा चुके हैं तो कम से कम आप ठीक तो हो। आप रात को नाइट गार्ड लगा सकते हैं, अपने लोअर जॉ में अप्लायंस लगा सकते हैं जिससे ये आदत छूटे। और यकीन मानिए, अगर ये आदत आपकी छूट गई तो समझिए आपकी नर्वसनेस भी गायब हो जाएगी। आप योगा कर भी अपनी नर्वसनेस को दूर कर सकते हैं। और एक बात, अगर आप इस आदत को छोड़ेंगे तो भी आपकी नर्वसनेस दूर होगी, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं।
अगर फिर भी आपको मुश्किल हो तो आप किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सलाह ले सकते हैं ताकि इस आदत को जल्दी छोड़ा जा सके और आपके लिप्स सुंदर, मुलायम, खूबसूरत रह सके। एक काम और करिए, इसके लिए रात को सोते समय आप अपने लिप्स के ऊपर दूध की, कच्चे दूध की मलाई लगाकर सो जाइए और सुबह अपने लिप्स को धो लीजिए। इससे भी जो आपने अपने लिप्स पर नुकसान किया है वो दूर हो जाएगा और लिप्स सुंदर, मुलायम हो जाएंगे। अगर आपकी स्किन का कलर साफ हो जाए, अगर आपके पिंपल्स खत्म हो जाएं और आपके बालों से डैंड्रफ दूर हो जाए तो क्या कहना, ये सब एक साथ हो सकता है। तरीका मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन इससे पहले आपको बताने वाली हूँ एक बहुत ही जरूरी बात। कौन सी है वो बात, चलिए जानते हैं। आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो सकती हैं धनिये के जरिए। जी हाँ, आपको क्या करना है तो आपको बताते हैं धनिये के हैरान करने वाले फायदे। आंखों की जलन में धनिये के बीज लीजिए, इसे पीस कर पाउडर बना लीजिए। रोज खाना खाने के बाद करीब 5 ग्राम इसको खाइए, आपकी आंखों की जलन गायब। डाइजेशन सिस्टम यानी कि अपनी पाचन शक्ति में सुधार के लिए 2 कप पानी में जीरा और धनिया डालें। इसे चाय पत्ती और थोड़ी सी सौंफ डालकर 2 मिनट तक उबालिए। फिर इसमें जरूरत के मुताबिक हनी मिलाइए, अदरक डालिए। अब इसको पी लीजिए इस चाय को, और साथ साथ एक काम कीजिए, इसको पीने के बाद आप कुछ देर के लिए कुछ मत खाइए और देखिए कितना कमाल होता है। अगर आंखों से पानी गिरता है तो क्या करें, रोज ताजा हरा धनिया लें, इसे थोड़ा कूटकर पानी में थोड़ी देर के लिए बॉईल कीजिए। ठंडे होने पर अच्छी तरह से छान लीजिए, रोज इसे 2-4 बूंद आंखों में डालिए, टपकाइए। अब आपको बताते हैं सर्दी और खांसी में क्या कमाल करता है धनिया। धनिया और जीरा इक्वल क्वांटिटी में ले लें, इसे पानी में मिलाकर काढ़ा तैयार कर लें। इस काढ़े को दिन में 2 बार पीजिए। अब आपको बताते हैं नकसीर में धनिया क्या कमाल करता है। हरे धनिये की 25 ग्राम पत्तियां लें, इसे चुटकी भर कपूर भी इसमें मिला दीजिए। अब इसे पीस कर इसका जूस निकालिए, इस जूस को नोज में डालिए, साथ ही इसे माथे पर थोड़ा सा मलिए, आपका नोज से खून निकलना तुरंत बंद हो जाएगा। दूसरी टिप आपको बताने ही वाली हूँ, लेकिन इससे पहले आपकी राशि पर बातचीत कर लेते हैं। मेष राशि के लोग, एरियंस, मशीनों से दूर रहे, नहीं तो थोड़ा नुकसान हो सकता है। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM टू मॉर्निंग 11:30 AM। लक परसेंटेज कह रही है 57%। वृषभ राशि के लोग, टॉरेंस, कल किसी को भी उधार नहीं देना है, मिलना मुश्किल होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:20 टू 1:55 PM। लक परसेंटेज कह रही है 49%। मिथुन राशि के लोग, जेमिनाइज, किसी अननोन इंसान पर भरोसा नहीं करिएगा, नुकसान होगा। लकी टाइम इवनिंग 6 PM टू नाइट 8 PM। लक परसेंटेज 45%। कर्क राशि के लोग, कैंसेरियंस, गाड़ी बहुत ध्यान से चलाइएगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:24 टू 1:46 PM। लक परसेंटेज 61%। माँ लक्ष्मी का रंग कौन सा है, माँ लक्ष्मी को कौन सा रंग पसंद है, क्या आप ये जानते हैं? अगर जान जाएंगे तो पैसे की तंगी नहीं होगी। आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन मैं आगे दूंगी, लेकिन इससे पहले खास ब्यूटी टिप। आज मैंने आपको कहा था ढेर सारी प्रॉब्लम एक साथ दूर करेंगे, तो पहली बात करते हैं कि कैसे पाएं पिंपल फ्री स्किन। आप 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी और नीम ले लीजिए, इसमें 1/4 चम्मच मजीठा, 2 चम्मच लैवेंडर ऑयल भी ले लीजिए। अब आधा आधा चम्मच इसमें अरुणा पाउडर, जेठी और मधु पाउडर डाल दीजिए, थोड़ा सा चंदन पाउडर भी डालिए। इन सब को मिलाकर पेस्ट तैयार कीजिए, इसे चेहरे पर लगाइए और देखिए पाइए पिंपल फ्री स्किन। अब बात करते हैं चेहरे की चमक के लिए। 3 चम्मच बेसन, इसमें 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच दूध की मलाई और 1 चम्मच ऑलिव ऑयल मिक्स कर लीजिए, जैतून का तेल। चेहरे पर लगाइए, अच्छी तरह से लगाने के बाद 25 मिनट के लिए सुखाने के लिए छोड़ दीजिए चेहरे को। फिर इसके बाद साफ पानी से धो लीजिए, पूरा दिन चेहरा चमकेगा। डैंड्रफ दूर करने के लिए पुदीने की पत्ती में नींबू का जूस मिला लीजिए, फिर
इसे मुल्तानी मिट्टी में अच्छी तरह पीस कर मिलाइए। इस पेस्ट को बालों की जड़ों में लगाइए। 15 मिनट बाद बाल अच्छी तरह से धो लीजिए। डैंड्रफ गायब। आपको बताते हैं धर्म और भविष्य से जुड़ी एक खास जानकारी। ये बात हम आगे करेंगे, लेकिन इससे पहले वो रंग जानते हैं जो माँ लक्ष्मी पसंद करती हैं। माँ लक्ष्मी की जब आप फोटोग्राफ देखते हैं तो बताइए किस रंग में आपको वो सबसे ज्यादा दिखती है। ब्लड रेड यानी कि लाल रंग। तो लाल रंग आपको बनाता है भाग्यशाली। रेड कलर एनर्जी का सिंबल है। ये रंग आपकी इमोशंस को बढ़ाता है। ये कलर आपको नया कदम उठाने के लिए मोटिवेट करता है। ये कलर हाई एम्बिशंस और दृढ़ संकल्प यानी कि अच्छी विल पावर को बढ़ाता है। ये कलर मजबूत इरादों को बढ़ाने में मदद करता है। आपकी शर्म में थोड़ी सी कमी भी लाता है। लाल रंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। रेड कलर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलता है। लाल रंग अच्छे भाग्य का सिंबल भी होता है। ये कलर आपके अंदर लक की परसेंटेज को बढ़ाता है। तो आप धार्मिक मान्यता जाने, ये रंग माँ लक्ष्मी को बहुत पसंद है। माँ लक्ष्मी लाल रंग के कपड़े ज्यादातर पहनती है। लाल रंग उनके कमल का भी है, यानी कि पिंक कलर उनके कमल का आसन भी है। तो आपको रेड कलर को इस्तेमाल करना है, तभी तो लोग ज्यादातर हाथ में लाल मौली पहनते हैं। कुछ नहीं कर सकते हैं तो राइट हैंड में लाल मौली को पहने, पर जब रंग फेड होने लगे तो मौली बदल लीजिए। देखिए इससे माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर कैसे बरसेगी। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन जानते हैं। आज की दूसरी प्रॉब्लम है फीमेल्स में बैक पेन होना, तो इसका उपाय क्या है? आप जमीन पर पीठ के बल लेट जाएं, दोनों पैरों को घुटने से 90 डिग्री एंगल पर बेंड करें ऐसे, फिर राइट एंगल को लेफ्ट थाई पर रखें यूं घुमाकर, और दोनों हाथ से लेफ्ट टांग को पकड़ लीजिए। सांस अंदर लेते हुए धीरे धीरे लेफ्ट थाई को चेस्ट के पास ले आइए। कुछ सेकंड रुकें और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट थाई को फिर से 90 डिग्री पर ले आइए। ऐसा ही टांग बदल कर करिए। 5 से 7 बार ऐसा रोज करें, बैक प्रॉब्लम गायब। धर्म और भविष्य से जुड़ी जानकारी देने से पहले आगे की राशियों का हाल जानते हैं। सिंह राशि के लोग लियोस, आपका कॉम्पिटिटर आपको परेशान कर सकता है, सावधान रहिएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11:32 टू आफ्टरनून 12:46 PM। लक परसेंटेज कह रही है 67%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुका लीजिएगा, दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम इवनिंग 4 PM टू 6:30 PM। लक परसेंटेज 84%। तुला राशि के लोग लिब्रंस, चोरी आपको अगर डरा रही है, सता रही है, तो आपको सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो फिर कुछ नहीं होगा। एक काम कीजिए, 2 केले किसी जरूरतमंद को दे दीजिए। लकी टाइम मॉर्निंग 10 AM टू आफ्टरनून 1 PM। लक परसेंटेज कह रही है 62%। वृश्चिक राशि के लोग स्कॉर्पियंस, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, बाकी दिन एवरेज आएगा। लकी टाइम इवनिंग 4:56 टू 5:46 PM। लक परसेंटेज कह रही है 71%। कौन सा सप्ताह बताता है कि आपके यहाँ नन्हा मेहमान आने वाला है? ये खास जानकारी आपको आगे बताऊंगी। पहले धर्म से जुड़ी एक खास बात बताती हूँ। आज आपको बताते हैं कि बौद्ध श्रद्धा का केंद्र है राजगीर। राजगीर बिहार के नालंदा से करीब 15 किलोमीटर, लगभग इतना ही दूर होगा। इसे पहले राजगृह के नाम से जाना जाता था। इस जगह की बहुत ही ऐतिहासिक और धार्मिक इम्पोर्टेंस है। इस जगह में मगध साम्राज्य की राजधानी थी। इस जगह पे महान मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि राजगीर भगवान ब्रह्मा की पवित्र यज्ञ भूमि है। ये माना जाता है कि यहाँ पे ब्रह्म कुंड में स्नान करने से बहुत पुण्य मिलता है। यही वो जगह है जहाँ से जरासंध ने भगवान कृष्ण को हराकर उन्हें मथुरा जाने को मजबूर किया था। ये भगवान बुद्ध और महावीर जी की साधना भूमि है। राजगीर से बौद्ध गया बहुत पास है। बौद्ध गया में भगवान बुद्ध कई साल रहे थे। बौद्ध गया के पास ही बहुत करीब पावापुरी है। पावापुरी में भगवान महावीर का भव्य मंदिर है।
इन्हीं सब जगहों से राजगीर बहुत ही पवित्र जगह मानी गई है। मुझसे बात करने का तरीका आपको आगे बताएंगी। इससे पहले नन्हे मेहमान का संकेत देने वाला सपना जानते हैं। चलिए आप जानते हैं वो सपने जो आपके भविष्य के संकेत देते हैं। अगर आप सपने में खेती देखते हैं तो इसका मतलब ये कि आपके घर जल्दी ही नया मेहमान आने वाला है। अगर आप सपने में भूकंप या तबाही देखते हैं तो इसका मतलब बच्चे परेशानी में पड़ सकते हैं। देखिए उनके जीवन में क्या चल रहा है। सपने में सीढ़ी चढ़ना देखते हैं तो इसका मतलब सुख समृद्धि आगे आने के पूरे चांसेस हैं। अगर सपने में सीढ़ी उतरते हुए देखते हैं तो किसी कीमती चीज के खो जाने के चांसेस हैं, ध्यान देना चाहिए। अगर आप सपने में लाठी देखते हैं तो इसका मतलब नेम फेम बढ़ने वाला है। सपने में सुराही देखते हैं तो इसका मतलब बुरी संगत में पड़ सकते हैं, ध्यान दीजिए। अगर घर में बारिश देखते हैं तो इसका मतलब घर में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं। परिवार में कहीं कोई बीमार भी पड़ सकता है, ध्यान दीजिएगा। सपने में हरा भरा बागीचा देखते हैं तो इसका मतलब पैसे मिलने के चांसेस हैं। और अगर सपने में डेड बॉडी देखते हैं तो इसका मतलब फाइनेंशियल गेन। सपने में आईना देखते हैं यानी कि किसी से प्यार हो गया है या होने वाला है। सपने में रोटी खाना देखते हैं यानी कि प्रमोशन के चांसेस। लकी कॉलर से बात करने से पहले आखिर की चार राशियों के बारे में बात करते हैं। धनु राशि के लोग यानी कि सैजिटेरियंस, जो भी ड्रेस पहने उसमें ब्लैक कलर जरूर हो। लकी टाइम मॉर्निंग 10:45 टू आफ्टरनून 1:05 PM। लकी परसेंटेज 81%। मकर राशि के लोग कैप्रिकॉर्न्स, दही और पानी पीकर घर से निकलिएगा, सब ठीक होगा। लकी टाइम आफ्टरनून 12:31 टू 1:56 PM। लक परसेंटेज कह रही है 55%। कुंभ राशि के लोग एक्वेरियंस, वक्त हो तो पिकनिक पर या घूमने जाइएगा, सब अच्छा रहेगा, मजा आएगा। लकी टाइम इवनिंग 4 PM टू इवनिंग 7:05 PM। लक परसेंटेज 67%। मीन राशि के लोग पाइसेंस, गाय को, क्रो को या डॉग को रोटी जरूर खिलाइएगा। लकी टाइम मॉर्निंग 11 AM टू आफ्टरनून 2 PM। लक परसेंटेज 81%। आपको बताती हूँ आप मुझसे कैसे कर सकते हैं सीधी फोन पे बात। चलिए वो तरीका जानिए। मुझसे बात करने के लिए मेरी ईमेल आईडी नोट करें, जो है familyguru@itvnetwork.com। और अपनी परेशानियाँ लिखकर हमें अपने फोन नंबर के साथ भेज दीजिए। अपनी बर्थ डिटेल जरूर भेजिएगा ताकि हम आपको कॉल कर सकें। आज हम महेश जी से बात करेंगे जो है भुसावल महाराष्ट्र से। कैसे हैं महेश जी आप? जी मैम, मैं ठीक हूँ, आप बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। जी मैम, एक्चुअली मैं अपने फ्यूचर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जैसे भी M.Com कर रहा हूँ मैं, बट मैं जो पढ़ाई करता हूँ वो मुझे याद नहीं रहती है। अच्छा, जो आप पढ़ते हैं वो आपको याद नहीं रहती है? जी मैम। तो एक काम करना है, एक तो आपको पढ़ने से पहले अपनी आंख को बंद कर अपनी टंग ऑफ टिप को, इसको टिप ऑफ टंग को ऊपर पैलेट पर लगाना है इस तरीके से, पढ़ने से 5 मिनट पहले आंख बंद करके। दूसरा, जब आप पढ़ते हैं तो अपनी लिटिल फिंगर को फोल्ड कर लें, अगर लिखने का काम नहीं है तो लेफ्ट हैंड की लिटिल फिंगर को फोल्ड कर लें। और तीसरी चीज की जब आप पढ़ें स्पेशली तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ चेहरा होना चाहिए। टेबल या चेयर या फिर अपने पलंग पर अगर पढ़ते हैं तो उस तरह से खिसका लीजिए। एक और बात, जो भी बच्चे पलंग पर पढ़ते हैं उनकी मेमोरी वीक होती है, क्योंकि ये जगह राहु की है, इसलिए हमेशा स्पाइन को सीधा रखकर ही पढ़ना चाहिए। और अब वक्त आ गया है आज की तीसरी प्रॉब्लम और उसका सिंपल सोल्यूशन जानने का। आज की तीसरी प्रॉब्लम है, रिश्तों में दूरियां हो तो क्या करें। एक गमला खरीद ले, उसमें किसी सब्जी या फूल का एक बीज बोए, फिर जिससे रिश्ता सुधारना चाहते हैं उसके बारे में सोचें और बीज बो दीजिए। फिर रोज इस गमले के पास आएं और इसे कुछ देर तक निहारें। इसके बाद इसे पानी दें और सूर्य की रोशनी दिखाएं। जैसे ही अंकुर फूटेगा और बढ़ेगा वैसे वैसे आपके रिश्ते भी सुधरेंगे। और एक से ज्यादा लोगों के साथ रिश्ते सुधारने हो तो उतने ही नंबर ऑफ बीज आपको बोने हैं। और साथ साथ ही रखें ख्याल कि रिश्ते सुधारने पर आपको अपनी वाणी पर भी करना है कंट्रोल, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, अपनी जुबान पर कंट्रोल करना है और अपनी अच्छी इंटेंशंस को फॉलो करना है। इससे आपके रिश्ते और अच्छे रहेंगे और फुलेंगे फुलेंगे। देखिए, गुस्से से ज्यादातर नुकसान ही होता है। वक्त हो गया है मेरे जाने का,
लेकिन कल हम बात करेंगे आपके प्यार की, इजहार करने के सही तरीके की। चाहे प्यार नया हो या पुराना, शादी हो चुकी हो या नहीं, लेकिन प्यार का इजहार जरूरी है। बताएंगे कल कुछ खास तरीके जो दूसरे के दिल को छू जाएंगे, और साथ साथ बात करेंगे आपके बिजनेस, आपके करियर की, और उन करियर में यूज होने वाले कुछ लकी कलर की। और कल ढेर सारी बातें करेंगे बच्चों की, बच्चों के सिर की, लेकिन आज नहीं कल। तो कल मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।